हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किसु किचन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फ्राइड राइस की रेसिपी। यह बहुत जल्दी बनने वाला एक हेल्दी रेसिपी है। इसके प्रिपरेशन में मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे तो बड़ों के साथ साथ आपके बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एक फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने आ लिया थोड़ा सा चॉप्ड कैरेट, चॉप्ड स्प्रिंग ऑनियन, चॉप्ड गार्लिक, जिंजर। यहाँ हमने लिया है मटर, या फ्रोजन मटर है, आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हैं। चॉप्ड ऑनियन एंड 2 eggs। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 tablespoons ऑयल, थोड़ा सा जीरा और इसको सॉटे करेंगे। जीरा रोस्ट हो चुका है, हम इसमें डालेंगे ऑनियन और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे सॉटे करेंगे। ध्यान रहे आप ऑनियन को उतना फ्राई ना करें कि ऑनियन जल जाए। ऑनियन हल्का सॉफ्ट हो चुका है, हम इसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक एंड जिंजर, कैरेट एंड स्प्रिंग ऑनियन, मटर और इसको हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो अपने मनपसंद के और भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें। 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, 1/2 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह रेड चिली पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम रेड चिली इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है। और इन सबको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं पानी ताकि सब्जी जो है अच्छे से पक सके। और इसे कवर करके हम लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। अब हम लीड को हटाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं सब्जी जो है हल्का सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इस सब्जी को एक साइड में कर देंगे और इसमें हम एक को क्रैक करेंगे। और लो फ्लेम पे हम इस एक को एक साइड से कुक होने देंगे। ध्यान रहे आप फ्लेम को मीडियम या फिर हाई ना करें, नहीं तो एक के साथ साथ आपका जो सब्जी है वो भी जल जाएगा। यह एक साइड से कुक हो चुका है, इसे अब हम पलट देंगे। और पलटने के बाद लैडर की हेल्प से हम इसका छोटा छोटा पीसेस कर देंगे। अब सब्जी और एग्स को हम साथ में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे राइस। राइस को हमने पहले हाफ कुक किया था, उसके बाद उसको आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि राइस जो है थोड़ा हार्ड हो जाए। इससे क्या होता है कि राइस कम टूटता है। अगर आप गर्मा गर्म राइस बनाकर इसमें डालेंगे तो हो सकता है कि राइस टूट जाए। तो आप जब भी फ्राइड राइस बनाएं तो राइस को बनाकर फ्रिज में आधा घंटा के लिए ज़रूर रखें। थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं घी, थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव और इन सबको हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इस टाइम थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, लेकिन सब्जी में हमने थोड़ा ज़्यादा ही नमक डाल दिया था इसलिए हमने इस टाइम नमक नहीं डाला। और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। तो एक फ्राइड राइस बनकर रेडी है। यह बहुत जल्दी बनने वाला एक हेल्दी रेसिपी है। इसे आप बनाकर अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक जा सके। ओके, बाय, मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।